9 बजे निकलते हो ना तुम कल से, ना 9 बजे मत निकलना। फालतू का ऑफिस में टाइम पास ना करके, ना लड़कियों के बारे में गॉसिप ना करके, बीबी के बारे में गॉसिप ना करके, ना घर पे ना मेरे साथ हाथ बटाना काम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। मैच देखा आज? जीत गए, विराट ने स्कोर मारा भाई, हिस्ट्री क्रिएट किया है। अच्छा क्या मैच था? तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई काम नहीं है मैच देखने बैठूं? अरे मैच देखते हो तो फोन में भी देख सकते हो ना। मैच थोड़ी आजकल कोई टीवी में देखता है, हाँ वो तो फोन में देख सकते हो ना, फोन में देख ले तो। कहने का मतलब क्या है, मैं पूरा दिन फोन देखती रहती हूँ? हाँ तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई काम नहीं है, है ना? पूरा दिन बस फोन में देखती रहती हूँ, है ना, कि फोन में मैं मैच देखने बैठू। वैसे भी विराट ने सेंचुरी मारा है, उसमें मुझे क्या तुम्हें क्या, मेरा तो वही रोज का रूटीन। अरे मुझे क्या मतलब, सारे इंडिया वालों को प्राउड फील होना चाहिए भाई, सेंचुरी मारा है। उससे कुछ दिन के बाद तो वो सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे, देखो उस खुशी में पटाखा भी फटा रहा है लोग, और तुमको क्या यार। इंडिया वाले को तो पता नहीं, हाँ अनुष्का शर्मा को अच्छा फील होगा क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको प्राउड फील करवाया ना, और उसका तो कोई काम धंधा है नहीं, मतलब घर का तो कोई काम नहीं करना पड़ता है, तो उसका तो भाई मजा ही मजा है, समझे? हाँ वो तो होंगे, वो उसके साथ तो सारे लोग, मैं भी खुश हूँ भाई, अपना ही भाभी है भाई। तुम भी जिंदगी में कुछ ऐसा करो ना ताकि मुझे भी थोड़ा सा प्राउड फील हो, मतलब पूरे इंडिया वाले को तो मैं छोड़ ही दे रही हूँ, मुझे प्राउड फील करने के लिए कुछ तो करो ना। अरे बिल्कुल होगा, देखना एक दिन ऐसा काम करूंगा ना, तुमको भी इतना प्राउड फील होगा ना, सारे दुनिया का तो पता नहीं, तुमको जरूर प्राउड फील कराऊंगा, देखना बोला मेरा हस्बैंड है सोसाइटी में सबको बोल, देखना कब आएगा वो दिन। आएगा भाई कब, मेरे जाने के बाद? अरे या फिर तुम बुड्ढे हो जाओगे उसके बाद? अरे कहा बुड्ढे होंगे, बहुत जल्दी होगा देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे ऑफिस में काम धंधा कुछ होता नहीं है क्या, या फिर पूरा दिन बस फोन देखते रहते हो? अरे पगली कौन 8 घंटा बैठ के काम करते है, 8 घंटा रहते है, 8 घंटा थोड़ी काम होता है। अच्छा भैया इसका मतलब तुम अगर मैच देखते हो तो गॉसिप भी करते होगे, है ना, बीबी के बारे में, रास्ते पे कोई एक खूबसूरत लड़की देख गई उसके बारे में, है ना, है ना? अरे नहीं ऐसा नहीं करते एक्चुअली। अच्छा तुम्हारे शक्ल से आँख से मुंह से पता चल रहा है? नहीं। 9 बजे निकलते हो ना तुम कल से, ना 9 बजे मत निकलना, या तो तुम लेट से निकलना या फिर तो तुम जल्दी घर आना, ऑफिस में काम खत्म कर। देखो मुझसे ना घर का इतना काम ना किया नहीं जाता, फालतू का ऑफिस में टाइम पास ना करके, ना लड़कियों के बारे में गॉसिप ना करके, बीबी के बारे में गॉसिप ना करके, ना घर पे ना मेरे साथ हाथ बटाना काम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। वाह मेरी शेरनी, वाह शाबाश, क्या दिमाग है, मानना पड़ेगा कसम से। लोग बोलते हैं ना बीबी का दिमाग घुटने में होता है, तुम्हारा तो उससे भी नीचे यार, सच में क्या दिमाग है तुम्हारा, मेरा सैलरी की ऐसे देगा क्या कंपनी वालों ने, क्या दिमाग है, कहाँ का दिमाग कहाँ लगाता है यार, अच्छे काम पे लगाऊ ना वो दिमाग, मानना पड़ेगा कसम। सैलरी किस बात की मिलती है, फोन देखने के बाद नहीं मिलता है, कहाँ जा रहे हो, बात करके मतलब होता नहीं है तुमसे, और निकल जाते हो क्यों, आओ।